जलको शेखावटी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ देखते रहिए आप ताजा तरीन खबरों को और करियर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी ऋचा जंगम के साथ। क्षेत्र की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। नीम का थाना, पाटन पुलिस ने सस्ते दामों में कछुआ खरीदकर महंगे दामों में बेचने वाले लाखों रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधी का खुलासा कर अपराधी की गिरफ्तारी व संपत्ति बरामदगी के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसकी पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भागवा व पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा के निकटतम सुपरविजन में पाटन थाना अधिकारी ब्रजेश सिंह तंवर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। थाना अधिकारी ब्रजेश तंवर ने बताया कि 20 मई को परिवादी किशोरीलाल पुत्र रामचंद्र निवासी कांकड़ा का तिवारा तन दरीवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि मेरा लड़का मनोज व दिनेश ग्राम नाथूपाला तन डोकन में किशनलाल बाबरिया के घर पर बिजली फिटिंग का कार्य करने के लिए आते थे। इस कारण किशनलाल से जानकारी हो गई। किशनलाल बाबरिया ने इन दोनों को झांसे में लेकर सस्ते रुपए में कछुआ प्राप्त कर महंगे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा दिलाने के सपने दिखाए। इन दोनों को अपने साथ लेकर अपने साथियों से कछुआ मंगवा कर इनसे 4 लाख रुपए प्राप्त करने को मरा हुआ बताकर रुपए वापस नहीं लौटाने पर रुपए पर जान से मारने की धमकी दी, जिस पर पुलिस ने धारा 420, 406, 506, 120 भी आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। टीम द्वारा घटना के बाद से ही आरोपी गण की तलाश हेतु अनुसूचना संकल का मुखबिर की सूचना पर आरोपी किशनलाल पुत्र प्रकाश चंद बाबरिया निवासी पाटन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी से रुपए बरामद कर अनुसंधान कर रही है।